सो गाइस मैं पेश हूँ एक और नई वीडियो में। और गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काशीलिंग अड़के के रिकॉर्ड्स के बारे में, यानी कि जो तीन रिकॉर्ड जो कि मैं हर वीडियो में कवर करता हूँ अलग अलग प्लेयर्स के, वैसे ही इस वीडियो में रिकॉर्ड कवर होने वाले हैं प्रो कबड्डी लीग के 9th मोस्ट पॉइंट टेकर के, यानी कि 9वें नंबर के ऐसे खिलाड़ी की जिसने रेड पॉइंट्स के दायरे में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करे हैं। सो गाइस यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे काशीलिंग अड़के के रिकॉर्ड्स के बारे में। सो गाइस सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए, चैनल को नीचे जाके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले रिकॉर्ड की। सो गाइस पहला रिकॉर्ड काशीलिंग अड़के का ये है कि काशीलिंग अड़के ने टोटल 4 सीजन्स दबंग दिल्ली की टीम के लिए खेले हैं और चारों के चारों सीजन्स में दबंग दिल्ली के लिए बेस्ट रेडर काशीलिंग अड़के ही थे। जी हाँ, चारों के चारों सीजन्स में इंडिविजुअली बेस्ट परफॉर्मेंस काशीलिंग अड़के ने ही करके दिखाई थी और ओवरऑल अगर हम चारों सीजन्स के पॉइंट मिला दें तब भी काशीलिंग अड़के ही बेस्ट रेडर थे। इसी के साथ साथ 5वां सीजन उन्होंने युम्बा की टीम के लिए खेला था और युम्बा की टीम के लिए भी बेस्ट रेडर काशीलिंग अड़के साबित हो गए थे। सीजन 6 जो कि उनका लास्ट सीजन था, मतलब सीजन था उन्होंने खेला नहीं, तो सीजन 6 जो था उसमें भी वो यहाँ पे जो है बेस्ट सपोर्टिव रेडर साबित हुए थे। सो गाइस मतलब काशीलिंग अड़के की जो पीकेएल की जर्नी है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक मतलब कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाई है। 5 सीजन एज अ लीड रेडर और 1 सीजन एज अ सपोर्टिव रेडर, जो कि ये चीज दर्शाती है कि काशीलिंग अड़के का दबाव कितना था प्रो कबड्डी लीग के ऊपर। उसका हम बात करें दूसरे नंबर पे, जो गाइस दूसरे नंबर पे जो रिकॉर्ड आता है वो आता है काशीलिंग अड़के का एक नेगेटिव रिकॉर्ड। जी हाँ, अभी हमने पॉजिटिव पूरी बात की, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव रिकॉर्ड की। तो नेगेटिव रिकॉर्ड काशीलिंग अड़के का ये है कि काशीलिंग अड़के ने 500 से ज़्यादा पॉइंट्स 5 सीजन्स में ही हासिल कर लिए थे। और गाइस अगर हमें पूरा डाटा निकालें, एक स्कोर निकालें पिछले सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक का, तो जो काशीलिंग अड़के का उस लिस्ट में एवरेज रेट पॉइंट्स का जो नाम आता है वो आता है सबसे लास्ट में। जी हाँ, काशीलिंग अड़के के जो एवरेज रेट पॉइंट्स है वो रहते हैं 5.7 पॉइंट्स पर मैच, जो कि पिछले सीजन 1 से लेके सीजन 5 तक का सबसे लोएस्ट एवरेज थी। तो गाइज ये एक नेगेटिव रिकॉर्ड था, बट हम ये नहीं बोल सकते कि काशीलिंग अड़के कितने बड़े खिलाड़ी हैं। सो गाइज ये रिकॉर्ड हम जो है नेगेटिव से पॉजिटिव कर देते हैं अगले रिकॉर्ड में, क्योंकि गाइज अगला जो तीसरा रिकॉर्ड है वो आता है काशीलिंग अड़के इज द बेस्ट रेडर ऑफ दबंग दिल्ली, बेस्ट ऑल टाइम रेडर ऑफ दबंग दिल्ली इन टोटल पॉइंट्स फॉर द फर्स्ट 6 सीजन्स। गाइज अब आप कहोगे कि सीजन 6 में यहाँ पे नवीन कुमार आ गए थे तो नवीन कुमार बेस्ट रेडर थे। गाइज मैंने ओवरऑल प्ले की बात की है, 4 सीजन्स में काशीलिंग अड़के बेस्ट रेडर खेले हैं दबंग दिल्ली के लिए और उनके 350 प्लस पॉइंट्स थे सीजन 6 तक, क्योंकि गाइज सीजन 6 में जब डेब्यू करा था नवीन कुमार ने तो 250 पॉइंट्स ही ले पाए थे और गाइज यहाँ पे काशीलिंग अड़के के उस टाइम पे 350 पॉइंट्स थे। सो गाइज काशीलिंग अड़के को जो है नवीन कुमार ने सीजन 7 में बीट करा है, अब उनके 450 प्लस पॉइंट्स हैं, तो अब जो है सीजन 7 में उन्होंने बीट करा है काशीलिंग अड़के को। बट सीजन 6 तक ऑल टाइम बेस्ट रेडर की अगर हम लिस्ट निकालते हैं, मतलब टोटल ओवरऑल पॉइंट्स की सीजन 1 से लेकर सीजन 7 तक की, तो उसमें काशीलिंग अड़के का नाम सीजन 6 तक नंबर 1 पे था दबंग दिल्ली की टीम के लिए, अब जो है नंबर 2 पे चला गया है। सो गाइज ये थे एक तीन बहुत बड़े रिकॉर्ड। और गाइज यहाँ पे जो है मुझे एक बहुत बड़ा ग्लिच देखने को मिला। गाइज ग्लिच मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइज जब मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो यहाँ पे प्रो कबड्डी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे काशीलिंग अड़के के जो सुपर टेंस है वो यहाँ पे 0 दिखा रहे थे, जिसके लिए मैं कई देर से कंफ्यूज था। मैं कई सारी वीडियोज देखी बट जब मेरे मैंने ये चीज़ देखी कि यहाँ पे काशीलिंग अड़के का जब मोस्ट पॉइंट्स एक सीजन मतलब एक सीजन के एक मैच में जो बेस्ट स्कोर होता है वही 24 का है, तो यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है काशीलिंग अड़के कोई सुपर 10 ही नहीं है। तो मैंने जाके देखा तो पता लगा एक छोटा सा ग्लिच था। अगर आप भी उस ग्लिच को देखकर यहाँ पे आए हैं तो ये चीज़ कमेंट ना करिए कि काशीलिंग अड़के ने आज तक कोई सुपर 10 नहीं लगाया। गाइस उनके कई सुपर 10s हैं बट सिर्फ और सिर्फ वो प्रो कबड्डी लीग की एप्लीकेशन में ही थोड़ा सा ग्लिच है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। सो गाइस स्टूडियो में इतना ही, लाइक एंड शेयर कर दे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दे हमारे यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।